एक कार च बमनुमा चीज सुटन वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए चंडीगढ़ पुलिस के वलों उस ऑटो चालक नु फड़ लिया गया है, जिस दे विच बैठ के ये तीन व्यक्ति आए सन, हमलावर आए सन ते एक विस्फोटक चीज घर दे विच सुट के फरार हुए सन। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां सन जिदे विच तीन लोग नजर आए सन। तीन व्यक्तियों के वालों इस वारदात को अंजाम दिया गया सी, तां उन्हां दे विचों हुण एक नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैक्टर 43 तो इस आटो चालक नूं फड़िया गया है। सीसीटीवी तस्वीरां दे विच इह नजर आया सी जदों सैक्टर 10 दे विच धमाका होया सी इक घर दे विच, तां उदों दी सीसीटीवी दे विच आटो च तीन व्यक्ति सवार नजर आए सन। तीन मुंडे सन जिन्हां दे वालों इस वारदात नूं अंजाम दिया गया, तां उन्हां दे विचों ही एक जिहड़ा है गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए चंडीगढ़ सैक्टर 10 दे विच धमाका होया सी, कोठी नंबर 575 दे विच कोई बमनुमा चीज सुट्टी गई सी। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर इस बम धमाके ने पूरे चंडीगढ़ ते नूं दहला दिता, जिस तों बाद पुलिस भी उदो तो ही इन्हां हमलावरां नूं ट्रैक कर रही सी। ऑटो जो इस सीसीटीवी वीडियो च नजर आया सी उस दे विच ये जिहड़े मुंडे सवार सन जिन्हां दे वलों बंब नुमा चीज सुट्टी गई सी, उन्हां दीआं तस्वीरां वी सामने आईआं सन ते पुलिस दे वलों 2-2 लाख रुपए दा इन्हां ते इनाम रख्या गया सी। तां हुण उन्हां दे विचों एक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका रिमांड हासिल करके पुछ पड़ताल की जाएगी। नाल ही इसके जो दो होर साथी ने उन्हां दीआं तस्वीरां वी जारी कीतीआं गईआं ने। इनाम रख्या होया है 2-2 लाख रुपए का पुलिस दे वलों, ते उन्हां दी वी तलाश की जा रही है। हमले के पिछे कारण की है अज तक सामने नहीं आया है। हुण जिसनूं गिरफ्तार किया गया है हमला करने वाले नूं तां इस तों पुछ पड़ताल होएगी, ते इस हमले दा इस बमनुमा चीज सुट्टन दा असल कारण सामने आएगा। हाले तक पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आखिर यह विस्फोटक चीज की सी, किस दे नाल धमाका किया गया ते किवें इसनूं बनाया गया है, इस सब हाले जांच दा विषय है। पुलिस जांच विच जुटी हुई है। एक हमलावर फड़ लिया गया है, जबकि बाकी दो हले भी फरार ने, जिन्हां दी तलाश पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है। घर च बमनुमा चीज सुट्टन वाला एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए चंडीगढ़ पुलिस के वलों उस ऑटो चालक नूं फड़ लिया गया है, जिस दे विच बैठ के ये तीन व्यक्ति आए सन, हमलावर आए सन ते एक विस्फोटक चीज घर दे विच सुट के फरार हुए सन। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आईयां सन जिदे विच तीन लोग नजर आए सन। तीन व्यक्तियों के वालों इस वारदात को अंजाम दिया गया सी, तां उन्हां दे विचों हुण एक नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सैक्टर 43 तो इस ऑटो चालक नूं फड़िया गया है। सीसीटीवी तस्वीरां दे विच इह नजर आया सी जदों सैक्टर 10 दे विच धमाका होया सी इक घर दे विच, तां उदों दी सीसीटीवी दे विच ऑटो च तीन व्यक्ति सवार नजर आए सन। तीन मुंडे सन जिन्हां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया, तां उन्हां दे विचों ही एक जिहड़ा है गिरफ्तार कर लिया गया है। दस दिए चंडीगढ़ सैक्टर 10 दे विच धमाका होया सी, कोठी नंबर 575 दे विच कोई बमनुमा चीज सुट्टी गई सी। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर इस बम धमाके ने पूरे चंडीगढ़ ते नूं दहला दिता, जिस तों बाद पुलिस भी उदो तो ही इन्हां हमलावरां नूं ट्रैक कर रही सी। ऑटो जो इस सीसीटीवी वीडियो च नजर आया सी उस दे विच ये जिहड़े मुंडे सवार सन जिन्हां दे वल्लों बंब नुमा चीज सुट्टी गई सी, उन्हां दीआं तस्वीरां वी सामने आईयां सन ते पुलिस दे वल्लों 2-2 लाख रुपए दा इन्हां ते इनाम रख्या गया सी। तां हुण उन्हां दे विचों एक नूं गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका रिमांड हासिल करके पुछ पड़ताल की जाएगी। नाल ही इसके जो दो होर साथी ने उन्हां दीआं तस्वीरां वी जारी कीतीआं गईआं ने। इनाम रख्या होया है 2-2 लाख रुपए दा पुलिस दे वल्लों, ते उन्हां दी वी तलाश की जा रही है। हमले दे पिछे कारण की है अज तक सामने नहीं आया है। हुण जिसनूं गिरफ्तार कीता गया है हमला करने वाले नूं तां इस तों पुछ पड़ताल होएगी, ते इस हमले दा इस बमनुमा चीज सुट्टन दा असल कारण सामने आएगा। हाले तक पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आखिर यह विस्फोटक चीज की सी, किस दे नाल धमाका किया गया ते किवें इस नूं बनाया गया है, इस सब हाले जांच दा विषय है। पुलिस जांच विच जुटी हुई है। एक हमलावर फड़ लिया गया है, जबकि बाकी दो हले भी फरार ने, जिन्हां दी तलाश पुलिस दे वल्लों कीती जा रही है।